राजस्थान से इस वक्त बड़ी खबर आ रही है कि साल 2022 में उत्तर प्रदेश के विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं, जिसको लेकर सभी पार्टियां चुनाव की तैयारियों में लग चुकी है। और इस बीच बताया जा रहा है कि सचिन पायलट के विधायक रामनिवास गावड़िया को कांग्रेस पार्टी आलाकमान ने बड़ी जिम्मेदारी दी है। विधायक रामनिवास गावड़िया को मिली बड़ी जिम्मेदारी, ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी ने दी गावड़िया को बड़ी जिम्मेदारी। उत्तराखंड के नैनीताल में होने वाले विस चुनाव में पर्यवेक्षक प्रभारी नियुक्त किया गया है। पूरी खबर जानने से पहले वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूले। वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए मारवाड़ नागौर प्रभसर विधानसभा क्षेत्र से विधायक रामनिवास गावड़िया को कांग्रेस संगठन के मुख्यालय दिल्ली की ओर से जारी सूची में देवों की भूमि उत्तराखंड के नैनीताल जिले का आगामी विधानसभा चुनाव में पर्यवेक्षक प्रभारी नियुक्त किया गया है। सूत्रों के मुताबिक विधायक रामनिवास गावड़िया 15वीं विधानसभा में सबसे कम उम्र के कांग्रेस संगठन से विधायक चुनकर आए थे और क्षेत्र में उनका लोगों से जुड़ाव एवं उनके कार्य करने की शैली से प्रभावित होकर कांग्रेस आलाकमान एवं केंद्रीय नेतृत्व ने उनको आगामी होने वाले उत्तराखंड के चुनाव में नैनीताल जिले का पर्यवेक्षक बनाया गया है। विधानसभा चुनाव में पार्टी की जीत सुनिश्चित करने के लिए उनको दो विधानसभा भीमताल व लाल कुआ के साथ ही नैनीताल जिले का प्रभारी नियुक्त किया गया है। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा तो शेयर और अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। धन्यवाद।